हरदेगांव क्षेत्र के हजारों किसानों ने सिंचाई परियोजना और पीने के पानी की मांग को लेकर करीब 43 गांवों के किसान कृषि उपज मंडी प्रांगण में एकत्रित होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री के नाम पर ज्ञापन तहसीलदार नागेश्वर प्रसाद पानिका को सौंप कर मांग की। हमको नर्मदा पाइपलाइन में जोड़ा जाए, हमारे क्षेत्र में तालाब बनवाया जाए ताकि किसान अपनी कृषि भूमि को लेकर सिंचित कर सके और केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत हम किसानों की आय दोगुनी हो सके। हमारा क्षेत्र पहाड़ क्षेत्र में आने के कारण बारिश का पानी ऊपर से बहता हुआ नर्मदा नदी में चला जाता है, जिसके कारण पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाती। वहीं किसानों ने बताया कि अगर एक माह के अंदर शासन द्वारा यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया तो हम सभी क्षेत्र के किसान उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। कि हमारे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था नहीं है, किसान लोग पानी से वंचित है और कुसमैने से लगाकर तो रेंगा पानी मछवास तक पानी नहीं है और आदिवासी क्षेत्र है, जबकि हमारा जो पानी सीहोर जिले देवास जिले में उज्जैन जिले में राजगढ़ जिले में चला गया और हम लोग पानी से वंचित है, जबकि हमारा क्षेत्र का पानी बहकर नर्मदा जी के किनारे और चला जाता है, पर वो पानी हम किसान को पहले हमको मिलने का अधिकार था पर वो हमको पानी नहीं मिल पाया, तो इसलिए हम आवेदन देने सब 42 गाँव के लोग किसान लोग यहाँ पर आवेदन श्रीमान अनुभागी महोदय को यहाँ पर देने पर आए हैं और सभी लोग किसान आए हमारी मांग को पूरी करें और ये एक महीने के अंदर हम उसका जवाब दें, नहीं तो आगे के समय हम एक महीने के बाद आंदोलन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।